हेलो दोस्तों, और एक नए वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। और आज की ये वीडियो होने वाली है, वैसे आपने टाइटल और थंबनेल देख ही लिया होगा कि किस टॉपिक के ऊपर है। ये उड़ेगा नहीं क्योंकि मैंने इसके फेदर ट्रिम किए, बट उतना ट्रिम किया है कि वो थोड़ा सा तो उड़ सकता है, बट ज़्यादा ओपनली मतलब बहुत ऊँचा फ्लाई नहीं कर सकता, उतना मतलब रखा है। क्योंकि आप लोग तो जानते ही होंगे कि मेरे इधर, आप लोग को दिखाई देता हूँ, देख सकते हैं चारों तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़ है। तो इसीलिए मैं इन लोगों को फेदर ट्रिम करके रखता हूँ। और वैसे भी इन लोग फ्री फ्लाई ट्रेनिंग भी नहीं, और इसीलिए मैं इन लोगों को रखता हूँ। जैसे कि कोई पैरट फ्री फ्लाई ट्रेनिंग रहता तो उनमें कोई दिक्कत नहीं होती, उड़ भी जाते हैं तो वापस आ जाते, बट ये कह रहा है कि इन लोग को कभी फ्री फ्लाई ट्रेनिंग नहीं हुए। तो वैसे मैंने इन लोगों का फेदर थोड़ा थोड़ा, देख सकते हैं आप लोग, इन लोग का अभी भी इसका नीचे विंग्स जो है अभी उग रहे हैं, तो मैं वो सबको नहीं काटूंगा। अभी भी दो दो और तीन तीन विंग्स रहने देता हूँ, और उसके बाद जो विंग्स आते हैं वो काट देता हूँ। आप लोगों से मैं कुछ नहीं छुपाता, मैं आप लोगों को बता दिया। तो वैसे आप पैरट का फेदर काटना नहीं चाहिए, बट मेरी मजबूरी है। आप लोगों को यदि ऐसा सिचुएशन है तो ही आप काटिए, नहीं तो ना काटिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती हो दोस्तों, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे मैं ऐसे वीडियो पोस्ट करता रहूँ और आप सभी को नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये ओरियो नहीं, ये एलेक्स, एलेक्स का टेल गिर चुका है मल्टी के बाद, और ये भी जो ये है ना, ये भी गिरने वाला है, देख सकते हैं ये पूरा टेढ़ा हो चुका है। तो इसका फेदर जो है वो गिर चुका है, दोनों का दोनों टेल। अब देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा अभी एग्रेसिव हो गया है, क्योंकि अभी इसका जैसे कि मोल्टिंग चल रहा है ना, और अभी पानी का भी मौसम हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं मौसम हम लोग का इधर ख़राब हो रहा है, तो अभी पानी गिरने का चांस हो सकता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं क्या बता रहा था, टेल आना, तो टेल में बाद में आप लोगों को दिखाऊंगा। तो हम लोग अपने टॉपिक पाते हैं। तो देखिए आज की टॉपिक है कि रेनी सीजन में आप अपने पैरट्स को क्या क्या खाने में दे सकते हो। आज इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो है। वेजिटेबल लिस्ट, फ्रूट लिस्ट, ये बाद में आएगी। अभी मैं दोनों चीज़ बताऊँगा कि क्या क्या आप लोग खाने के लिए दे सकते हो। तो आप लोगों को जैसे कि पता ही होगा कि क्या पैरट का डाइट है, 80% वेजिटेबल एंड 20% फ्रूट्स। जब जब मैं फूड के ऊपर वीडियो बनाता हूँ तब तब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या खाने में देना चाहिए, क्या डाइट है इन लोगों का। तो मैंने बता दिया आप लोगों को, आप लोग मिस्टेक ना कीजिएगा, क्योंकि आप लोग मिस्टेक कीजिएगा तो आप बाद में आपका ही मतलब घाटा है। क्योंकि आप लोग जब इसको अटपटांग खाने के लिए दोगे तो इन लोग का तबीयत ख़राब हो जाएगा, और फिर बाद में आप लोगों को ही दिक्कत होगा। बाद में आप लोगों को बेड के पास दौड़ना पड़ेगा और उसके बाद परेशान रहोगे। तो उससे अच्छा है कि आप पहले से ही सतर्क रहोगे, तो आप लोगों को बाद में भी परेशानी नहीं होगी। तो आप लोग 80% वेजिटेबल एंड 20% फ्रूट्स रखिए डाइट इन लोगों का, चाहे बेबी पैरट रहे चाहे बड़ा पैरट रहे। बेबी पैरट मतलब सेल्फ पे आने के बाद 3 महीने के बाद वो सेल्फ पे आ जाता है। तो आप लोग खाने में क्या दे सकते हो, देखिए फ्रूट्स में जैसे कि आप लोग ग्वावा दे सकते हो, क्योंकि देखिए अभी ग्वावा का जो सीज़न है अभी आ गया है। तो ग्वावा आप लोगों को दिख रहा होगा मेरे पेड़ में बहुत सारा ही है। तो ग्वाभा आप लोग देख सकते हो, उसके बाद मैंगो देख सकते हो, फिर अभी वाटरमेलन का तो सीज़न ख़त्म हो गया, कुकुम्बर दे सकते हो, लेडी फिंगर दे सकते हो, और भी जितने मतलब सारी चीज़ें हैं वो सब आप अपने पैरट्स को खाने के लिए दे सकते हो। जो भी मतलब सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आते हैं वो सब आप अपने पैरट्स को खाने के लिए दो, क्योंकि वो सब आप अपने पैरट्स को खाने के लिए दोगे तो आपका पैरट हेल्दी रहेगा, और आपका पैरट कभी भी मतलब कोई भी मतलब इसको बीमारी नहीं होगी और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोगों को पता चल गया होगा, ऐसे तो मैं बनाऊँगा वेजिटेबल लिस्ट, फ्रूट लिस्ट। तो एक एक वेजिटेबल एंड फ्रूट्स का नाम बताऊँ कि किस वीडियो में बताऊँगा, तो आप लोग उस वीडियो को इंटरेस्ट लेके नहीं देखोगे। तो इसीलिए मैं बता कि ये सब जो आप लोगों को देना है, तो मैंने बता दिया आप लोगों को क्या क्या देना है। और वैसे भी शिमला मिर्च हो गया, ये सब आप अपने पैरट्स को खाने के लिए दे सकते हो। स्प्राउट्स दे सकते हो सुबह को, उसके बाद वेजिटेबल दे सकते हो दोपहर को, 80% वेजिटेबल, और थोड़ा कभी कभी सीड्स भी दे सकते हो आप अपने पैरट्स को खाने के लिए, बट सीड्स कम मात्रा में दीजिएगा। जब ट्रेनिंग जब होगा तो आप अपने पैरट्स को सीड्स खाने के लिए दे सकते हो, वो अच्छा रहेगा। सो ये थी कुछ आज की वीडियो। तो आप लोगों को कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट में बताएं, और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आने वाली, कल ही चलाएगी नेक्स्ट वीडियो। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो पे, बाय बाय दोस्तों।